हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साहिली चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ आज आपके लिए कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं पीरियड से पहले ही कि आपने गर्भ धारण किया है या फिर नहीं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि सभी महिलाओं को पता होनी चाहिए कि उनके शरीर में कब क्या बदलाव होता है, किस तरीके से बदलाव होता है और जो बदलाव उनकी प्रेगनेंसी को पीरियड से पहले प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ऐसे बदलाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बदलाव जिसकी हम आज बात करेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, वो आपको आपकी पीरियड से पहले लगभग 5 से 7 दिन पहले भी दिखाई दे सकता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, लेकिन उसके साइंटिफिक लॉजिक, बायोलॉजिकल रीजन क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसा एक महिला को ये ऐसा फीलिंग, ये ऐसा डिस्चार्ज, ये ऐसा वाटर क्यों आता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन से 14 दिन का वक्त लगता है अगला पीरियड आने में। अगर गर्भ ठहर जाता है तो पीरियड की डेट मिस हो जाती है, लेकिन अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो आपको 14 दिन के बाद पीरियड आ जाते हैं। अगर गर्भ ठहरा है तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें कि यूट्रस, बच्चेदानी, बहुत तेजी से गर्भ को पोषित करने के लिए, आरोपित करने के लिए तैयारी करेगी। और इम्प्लांटेशन होते ही ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके पेल्विस रीजन में बढ़ जाता है, यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो जब यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो सर्विक्स एक डिस्चार्ज रिलीज करती है। ये डिस्चार्ज इसलिए होता है ताकि वजाइना के माध्यम से ऊपर की तरफ आने वाले कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस यूट्रस के अंदर एंटर ना करे। और ये प्रकृति द्वारा बनाया मैकेनिज्म है यूट्रस को और अर्ली प्रेगनेंसी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। लेकिन एक महिला जो कि प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, अनुमान लगा रही है कि हो सकता है कि इस बार मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, उनके लिए पीरियड से पहले वाटरी डिस्चार्ज आना, हल्का वाइट सा डिस्चार्ज आना अर्ली प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो सकता है। ऐसे समय में हो सकता है कि आपकी डेट आने वाली हो या डेट का समय हो चुका हो, लेकिन अगर प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपको पीरियड के सिम्टम नहीं मालूम चलेंगे, आपको बिल्कुल भी पीरियड का एहसास नहीं होगा। जो कि क्रैम्प्स पीरियड से पहले शुरू होने लग जाते हैं हल्के फुल्के, वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। पीरियड जैसा आपकी बॉडी में कोई चेंज महसूस नहीं होगा, लेकिन आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ होती है तो आप समझ सकती हैं कि आपको गर्भ ठहर चुका है। लेकिन ये डिस्चार्ज पीलापन लिए हुए या हरापन लिए हुए हो, आपको खुजली चल रही हो या रेडनेस हो, तो ये इन्फेक्शन का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज बहुत सारे चीज़ें बताते हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे शरीर के बारे में। लेकिन वाटरी या हल्का क्रीमी वाइट डिस्चार्ज आपकी अर्ली प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करता है बताए हुए स्पेशल कंडीशंस में। इस समय प्रेगनेंसी इतनी शुरुआती अवस्था में होती है कि कोई भी प्रेगनेंसी के सिम्टम, नोजिया, वॉमिटिंग आपको फील नहीं होती, लेकिन आपको 1 हफ्ता वेट करना है। 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको लक्षण महसूस होने लगेंगे, आपकी भूख बढ़ सकती है, आपका टेस्ट चेंज हो सकता है, आपका बॉडी टेम्परेचर बदल सकता है और पीरियड के साइन बिल्कुल खो चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपने शरीर को, अपने हॉर्मोन्स को और अपनी प्रेगनेंसी को समझने में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।